दिल्ली के आनंद विहार सहित कई इलाके आज सुबह से धुंध की चादर में लिपटे हुए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, अक्षरधाम मंदिर और यमुना से सटा खादर के इलाकों में धुंध की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल पंजाब हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में किसानों की ओर से जलाई जा रही पराली के कारण दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दो दिन की राहत के बाद दिल्ली NCR के कई इलाकों में एक बार फिर से वायु की गुणवत्ता का जो स्तर है वो 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की ओर से जारी डेटा के मुताबिक शनिवार सुबह दिल्ली में आनंद विहार में वायु गुणवत्ता स्तर 459 रहा और ये स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक है। दिल्ली के कई क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है। ITO, GND और गाजीपुर क्षेत्रों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार AQI लेवल बेहद खतरनाक स्तर पर पहुँचता हुआ दिखाई दिया और वहीं साल 2015 में अगर बात की जाए तो IIT कानपुर द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि परिवहन, बायोमास, जलन और उद्योग प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की ओर से साल 2018 में किए गए एक सोर्स अपोचमेंट स्टडी ने प्रदूषण के स्रोतों पर काम करने के लिए ताजा आंकड़े जारी किए हैं। टेरी के अध्ययन में यह कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण का 36% जो प्रदूषण का हिस्सा यहीं से हो रहा है और वहीं 64 NCR राज्यों और उत्तर से आता है। बेसिक प्रॉब्लम एक्चुअली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट तो काफी कुछ करती है हमारे लिए, मगर हम एज सिटीजन भी ऑल्सो अगर अपनी कार्स वगैरह कम यूज करें, साइकिल्स वगैरह यूज करें या ऑफिस वगैरह उसके अकॉर्डिंग, मतलब कोई भी ऐसा मीन यूज करें जहाँ पोल्यूशन कम हुए, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा हमारी सिटी के लिए। बिकॉज दिल्ली इन इटसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत सुंदर जगह है। अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के लिए किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप हेल्थ के लिए? सर हेल्थ के लिए वैसे सबको पता है कि कोविड चल रहा है जो ऑलरेडी सांस को इतना इम्पैक्ट करता है, तो अगर आप देखें कि जितना पोल्यूशन बढ़ेगा तो हम भी पढ़ रहे हैं आजकल कि उससे कोविड का इम्पैक्ट भी ज़्यादा रहेगा, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि पोल्यूशन कम रहे ताकि लोगों का सांस, स्पेशली जो लोग 60 साल से ऊपर हैं या जिनको सांस की प्रॉब्लम है या बिल्कुल यंग जो भी लोग हैं उनको भी, तो पोल्यूशन तो सर इज अ मेजर कॉज ऑफ। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की परेशानी लोगों को करनी पड़ रही है? देखिए बिल्कुल लगातार कह सकते हैं पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की आबो हवा जो है वो बिल्कुल खराब होती चली जा रही है, यहाँ तक कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतें जरूर हो रही, मगर एक तरफ तो कोरोना वायरस चल रहा है, दूसरी तरफ कह सकते हैं पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो दिल्ली की जनता के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर खड़ा कर रहा है। मगर बात करें जिसकी किसी दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करती हुई नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है दिल्ली सरकार की जितनी भी कोशिशें हैं वो नाकामी साबित हो रही है, क्योंकि जी धरातल की बात करें तो धरातल में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लेकर कोई गंभीर रुख रख रही हो। जी लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या कुछ तैयारी राज्य सरकार की है, क्या कुछ तैयारी केजरीवाल सरकार की है ताकि लोगों को कुछ राहत जरूर मिले? देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, इसके अंदर दिल्ली सरकार हर बार पराली को लेकर लगातार कोशिशें करती है, यहाँ तक कि ऑडिबल लेके आती है, यहाँ तक कि गाड़ियों को जो रेड लाइट पे गाड़ियाँ ऑफ करवाने की बात थी वो भी करवाई जाती है, मगर कहीं ना कहीं अब की बार की बात करें तो हर बार तो ये करवाया जाता था कि ऑडिबल भी लेके आते थे, अब की बार ऑडिबल तक नहीं लेके आए हैं ताकि कुछ ना कुछ गाड़ियों को जो इस तरह के जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कह रही है कि हम राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं, बात करने के साथ साथ राज्य सरकारों को सलाह भी दे रहे हैं कि जो पराली है उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर यूज किया जाए जहाँ पर वो यूज हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है। किसानों की परेशानी जरूर है मगर किसान अपनी तरफ से परेशान है और सरकारों को चाहिए उनकी परेशानी भी दूर करे और जहाँ तक जो उनकी पराली है उनको कहीं ऐसी जगह यूज किया जाए जहाँ की उससे उनको बेनिफिट भी हो सके और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो भी कंट्रोल हो सके, मगर राज्य सरकारें अकेला कुछ नहीं कर सकती और जब तक राज्य केंद्र सरकार उनका साथ नहीं देगी। जी और जो आम लोग अपने घरों से निकल रहे हैं ऐसे में उन लोगों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खासतौर पर किस वर्ग को ज्यादा परेशानी हो रही है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है और कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी चल रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए एक मुसीबत जरूर खड़ा कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल एक सर्दी जुकाम और एक कह सकते हैं मौसम में जो बदलाव हुआ है वो और कोरोना वायरस के लक्षण एक जैसे हैं और उसी को लेकर ही जो मौसम कह सकते हैं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं जनता के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहा है। और जनता के लिए ये सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि जनता जब तक बाहर ना निकले जब तक इमरजेंसी ना हो, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो
कहीं ना कहीं घरों में ही रहे और बाहर ना निकले, और जो निकलते हैं तो मास्क का यूज करें। मगर अगर मास्क की बात करें तो कहीं ना कहीं मास्क के लिए भी लोग बहुत जागरूक नहीं है, पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा। मगर जिसके लेकर सरकारें चलान भी कर रही है, मगर हर तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं धरातल पर जो कार्रवाई है वो पूरी नहीं है जी। और वहीं एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, कब तक इस मामले में उनको राहत मिल सकती है लोगों को वहां पर? देखिए बिल्कुल बता दीजिए, जो एक्सपर्ट की बात करें यानी कि पॉल्यूशन स्तर की जो जानकार हैं, जो वो बता सकते हैं कि किस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए या कितने टाइम तक वो पॉल्यूशन रहेगा। मगर बात करें इस तरीके की कि यहाँ पर जो अभी स्थिति है वो स्थिति अभी बिल्कुल। राजीव तिवारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।